वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम कर रहे हैं जुलाई दिसंबर पार्ट 4 करंट अफेयर्स का, और ये आपकी मदद करेगा सीडीएस एनडीए और एफकेट में, और ये आपकी मनपसंद यूनिफॉर्म में आपको पाने में आपकी मदद करेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, ये स्लोगन मैंने अभी रिसेंटली ऑप्ट किया है अपनी वीडियोज के लिए और मुझे लगता है ये बहुत बहुत जरूरी है, और ये है जान लगा दो या जाने दो। देखिए मेरे कहने का सेंस क्या है, देखो आपने सपना देखा यूनिफॉर्म में अपने आपको देखने का, आपने सपना देखा है कि आपकी यूनिफॉर्म पे जो स्टार्स हैं या ब्लू स्ट्रिप हैं, गोल्डन ब्लू स्ट्रिप हैं, गोल्डन स्ट्रिप हैं, वो आपके माँ बाप को पहनाए, ये आपका सपना है। आपका सपना है कि वो रगड़ा जिसे दुनिया पनिशमेंट मांगती है ना, वो मुझे चाहिए, ठीक है। वो जो परेड होती है वो चाहिए, वो जो अपने बेल्ट और अपने लेबल्स को पॉलिश करना होता है अकेडमी में, वो मुझे चाहिए। वो मुझे मौका चाहिए जब मेरी अगर मौत आए तो मुझे तिरंगे में लिपटा जाए। अगर आपको ये सब पाना है तो आपको अपनी जान लगा देनी होगी। आप काबिल हैं यूनिफॉर्म पाने के लिए, आप काबिल हैं कि आप उस यूनिफॉर्म को पा सकें, उस मोमेंट को जी सकें जिसमें खाली आपको एक प्लस साइन मिलता है और आपके एक चेस्ट नंबर पे एक प्लस साइन लग जाता है उस मोमेंट को जीने के लिए। पर ये आप पे डिपेंड है कि आप करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि डिफिकल्टी होगी, 14 घंटे की शायद नौकरी हो, ठीक है, ये भी मानता हूं कि बहुत डिफिकल्टी घर में भी चल रही होगी, पर आपका सपना है ना ये, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे पूरा करें या कैसे करेंगे आप इसे। और दूसरी बात ये कि आप में से कई होगी तो ये आखिरी अटेम्प्ट होगा, तो यहाँ पे आखिरी मौका है कि अपनी जान झोंक दें। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, तो जो हम लोग हैं तो हम भी तो इंसान ही हैं, और हम अपने सपने से कॉम्प्रोमाइज क्यों करें। हमने वो सपना लिया इसलिए था कि हम उसे पूरा कर सकें, ना कि वो दिन देखने के लिए कि वो कभी हमने सपना देखा था। आप पा सकते हैं उस सपने को, और मैं आप पे विश्वास रखता हूँ कि आप उसे करेंगे इस बार हर हाल में। देखिए रात के अभी 3 बजे थे जब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी, और मुझे सुबह 6:30 बजे ऑफिस भी जाना है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं रात के 12 बजे का जगा हुआ और शाम को 8 बजे ही सो गया था, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट है कि 12th जो G20 मीटिंग हुई 2017 में, वो हैम्बर्ग समिट के नाम से जानी जाती है, वो हैम्बर्ग में हुई थी, और 2019 में जो G20 समिट होगी वो ओसाका में होगी, और ये 14 समिट है, और 44th G7 समिट जो 2018 में क्यूबेक कनाडा में होगी, हुई थी, और G7 समिट 2019 में होगी, 45th होगी वो, और वो होगी नोवेला एक्यूटेन फ्रांस में। ब्रिक्स समिट जो 2017 में हुई थी वो 9 समिट थी, और वो थी ज़ियामिन में। ब्रिक्स समिट जो 2018 में हुई थी वो 10 समिट थी, वो हुई थी जोहान्सबर्ग में, और अब जो 2019 में होने जा रही है वो ब्राज़ील में होगी, और वो 11th होगी। इसके बाद 18th नैम समिट जो होगी वो अजरबैजान में होगी, और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। 51st ADB एनुअल समिट मतलब एशिया डेवलपमेंट बैंक समिट जो होगी वो मनीला में होगी, और 52nd ADB एनुअल मीटिंग 2019 जो होगी नाडिया फीजी में होगी। उसके बाद नाटो की जो समिट 2018 में होगी वो बेल्जियम में होगी 11 से 12 जुलाई के बीच, मतलब ये हुई थी नाटो की समिट, और नाटो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरोप के देशों के लिए, तो इस बात को आपको याद रखना है। बेल्जियम में जिसकी हुई थी समिट वो नाटो की थी 2018 में। उसके बाद APEC समिट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन वो 30th समिट हुई थी, और वो हुई थी पपुआ न्यूजीना में पोर्ट मोरिस्बे में, और 13 ईस्ट एशिया समिट जो 2018 में हुई थी वो हुई थी सिंगापुर में। अब इसके बाद गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ग्रांट द कमर्शियल यूज ऑफ ड्रोन इन द कंट्री फ्रॉम, हमारे देश में ड्रोन का इस्तेमाल होगा, पर कब से होना था, वो होना था 1 दिसंबर 2018 से। देखिए जो ड्रोन्स हैं उनको उड़ाने के लिए कुछ जोन या एरिया समझ लीजिए हवा में, एयर में कुछ एरिया स्पेसिफिक डिफाइन किए हैं, वो है रेड येलो ग्रीन। रेड में जैसे एयरपोर्ट या डिफेंस वाले जो एरिया हैं वहाँ पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, येलो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिशन चाहिए होगी आपको, ग्रीन वहाँ पर आप उड़ा सकते हैं जैसे पार्क या कोई भी पब्लिक प्लेस। 126 मेगावाट विंड पावर, देखिए ये एक मिनट, ये जो स्लाइड है इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आइए। इंडिया की फर्स्ट इंटर स्टेट कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट है जो कमीशन हुआ है किस स्टेट में, वो है गुजरात। तो यहाँ पर यह आता है कि 126 मेगावाट का जो विंड पावर है जो कि भुज में है वो किन किन स्टेट को बिजली बेचेगा, वो है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। एट द 4th गूगल फॉर इंडिया इवेंट जो हुआ था उसमें गूगल ने अनवील किया है प्रोजेक्ट जिसमें वो इंडियन लैंग्वेज पब्लिशर है जैसे मराठी गुजराती इनको कंटेंट ऑनलाइन पब्लिश करने में मदद करेगा। उसका नाम क्या है उनके प्रोजेक्ट का, उनके प्रोजेक्ट का नाम है नवलेखा। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज टॉलेस्ट फिल्म स्टूडियो, वो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम है ई के पालिना स्वामी,
जिन्होंने इनॉग्रेट किया टॉलेस्ट फिल्म स्टूडियो, और इसका नाम रखा गया है द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के ऊपर, जिनका नाम है एमजी रामचंद्रन। यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल टू एडवाइस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मैटर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इस यूनियन गवर्नमेंट जो मेंबर हैं वो कितने हैं, वो हैं 21। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड एक फैक्ट, जो इसे हेड कर रहे हैं इनका नाम है के विजय राघवन। एक और बात, यहाँ पर अभी एक 24/7 पावर फॉर ऑल करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और ये स्टार्ट किया गया है भाई यूनियन गवर्नमेंट ने बैंक से लोन लिया था ये, और इकलौता इस साल का मतलब 2018 का वर्ल्ड बैंक का इकलौता एक ऐसा लोन है जो साइन हुआ है 250 मिलियन। बाकी जितने भी लोन हैं हम एशिया डेवलपमेंट बैंक से किए हैं, उसमें 3 स्टेट्स आते हैं, हम 3 स्टेट्स की बात करेंगे। पर ये जो करा है 24/7 पावरफुल और वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है वो किस किस स्टेट के अंदर आ रहा है, वो है राजस्थान। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 50,000 वाइट डकलिंग अमॉन्ग द फिशरमैन रिसाइडिंग ऑन द बैंक ऑफ विच लेक, ये है रुद्र सागर। यूनियन गवर्नमेंट ने साइन किया है 375 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट। देखिए पहला ये लोन एग्रीमेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर, और वो उसका नाम है इरिगेशन एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, और उसका नाम है मध्य प्रदेश जिस स्टेट के अंदर ये लोन लिया गया। तो पहला इरिगेशन एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया गया है इस चीज़ के लिए, वो है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था 3 स्टेट है, तो 3 स्टेट में है कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। ये कर्नाटका को हाईवेज बनाने के लिए, स्टेट हाईवे बनाने के लिए 400 किलोमीटर उसके लिए लोन दिया गया है, वो है 346 मिलियन। और वेस्ट बंगाल को दिया गया है प्रोवाइड सेफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ड्रिंकिंग वाटर, वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। देखिए कीकू रोबोट कौन सा देश अपने किंडरगार्टन चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा, वो है चाइना। ठीक है, एक दूसरा रोबोट है आईपैल, ये कीकू है, ये भी चाइना ही यूज करेगा। नॉर्मली जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है जापान, पर आंसर है चाइना, याद रखिए इस बात को। देखिए अरुणाचल प्रदेश ने अभी 3 डिस्ट्रिक्ट बनाने का फैसला किया है, उनका नाम है पाक, केसांग, लापा राडा और शी योमी, मतलब ये कितने हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट है, तो 3 इसका आंसर है। इसके बाद ये कहाँ कहाँ पर है, ये ईस्ट कमांग में, मैंने आपको लोकेशन दिखाई दी है तो इनसे आप याद रखें। फिर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद देखिए कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर ने एक ओशन डेवलपमेंट अम्ब्रेला स्कीम बनाई है, उसका नाम उन्होंने दिया है ओ स्मार्ट, और ये 1623 करोड़ की है, और ये इम्प्लीमेंट हुई थी 2017 से 2018, और दूसरा इसका टर्म है 2019 से 2020। अब देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके जो चेयरमैन है इसका नाम है सुभाष चंद कुंतिया, ये है इनकी फोटो। इसके साथ जो इसके कमेटी को हेड करेंगे इनका नाम है पी जे जोसफ, ये है पी जे जोसफ। अब देखिए इंजीत श्रीनिवास कमेटी, ठीक है, ये रिव्यू करेगी कंपनी एक्ट 2013, मतलब जो बिजनेस लॉ होते हैं, मतलब कंपनियों के लिए जो लॉ होते हैं, जो कंपनियां होती हैं बिजनेस, जैसे टाटा इन्फोसिस ये सब जो कंपनीज होती हैं, उनके डेवलपमेंट और उनके जो लॉज बनाने का काम करेगी वो इंजीत श्रीनिवास कमेटी करेगी। फिर तो जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा कमेटी करेगी डाटा प्रोटेक्शन। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि गूगल फेसबुक इन सबसे कहा है कि अपने डाटा सर्वर आप इंडिया में रखें, बाहर रखना अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये करी है जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा कमेटी ने काम। ठीक है, राजीव गौबा कमेटी, ये है स्टॉप मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग आपको पता होगा, एक आदमी को मारने के लिए पूरी भीड़ आ जाती है, तो जब ऐसा हो जाता है तो किसी पे केस नहीं होता है, और किस पे केस करें इस बात को भी जब सवाल नहीं होता है। सुनील मेहता कमेटी वो कर रही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनका नाम आप इनका इस चीज़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में आपको पता ही होगा, तो इसके ऊपर जो कमेटी बैठी है उसका नाम है सुनील मेहता कमेटी। अब देखिए इसके साथ कुछ और बातें हैं, कमेटी कंस्टिट्यूट बाय यूजीसी टू शॉर्टलिस्ट 20 इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, ये कमेटी का नाम है एन गोपाल स्वामी। इनके बारे में और भी बात करेंगे, बट अभी पहले इनसे इन कमेटी के ऊपर एक बात ये है कि एन गोपाल स्वामी ने जो एमिनेंस मतलब एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट जो 20 की लिस्ट बनाई थी उसमें 6 का नाम बना लिया है, उसका नाम है मणिपाल, जियो, बिट्स, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई और आईआईएससी। इसके साथ ये डिफेंस प्लानिंग कमेटी के जो हेड हैं अजीत डोभाल, ये आपको पता ही होगा, बट इसके साथ एक एडिशनल फैक्ट ये है कि जो यूएसए के हैं उनका नाम है जॉन आर बोल्टन। आगे चलते हैं, राजेश बिंदल कमेटी जो एडवाइस करेगी लीगल इशू पे, जो कि इंटर कंट्री रिमूवल और रिटेंशन है चिल्ड्रन ड्यू टू पेरेंट डिस्प्यूट, मतलब दो देशों में पेरेंट्स रह रहे हैं अलग अलग और उनमें डाइवोर्स हो गया है,
तो उनके बच्चों का जो इशू होगा वो ये राजेश बिंदल कमेटी करेगी, और उसके जो जिस कन्वेंशन पे करते हैं, जिसके आधार पे करते हैं बेस लेके, उसका नाम है हैग्यू कन्वेंशन। अब देखिए इसका नाम है वी के अग्निहोत्री कमेटी टू रिवाइज द रूल एंड प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो भी रिविजन होंगे, जो रूल प्रोसीजर बनने हैं, उसका नाम है वी के अग्निहोत्री कमेटी, और ये वेंकश नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने करा है ये। जयंत सिन्हा कमेटी टू प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल। एरियल व्हीकल से आपको दिमाग में आ गया ड्रोन, और इस कमेटी का नाम है जयंत सिन्हा कमेटी। मनमोहन जुनेजा कमेटी, ये सीएसआर एक्टिविटी जो कंपनीज करती हैं, देखिए सीएसआर एक्टिविटी क्या होती है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके अंदर वो गरीब बच्चों को या कुछ भी जैसे बूढ़े लोग, ऑर्फन लोग या ओल्ड एज होम, इन जगह जाके वो कुछ सोशल वर्क का काम करती हैं, तो ये है मनमोहन जुनेजा कमेटी के अंदर। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ऑफ ऑल लोन इन्फॉर्मेशन रिकमेंडेशन ऑफ वाई एम ड्यूस थेला कमेटी। देखिए ड्यूस थेला कमेटी का काम है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। 24/7 पावर फॉर ऑल, इसकी बात हम आई थिंक कर चुके हैं, हाँ इसकी बात हम कर चुके हैं, तो इसको हम स्किप करते हैं। बस बात को याद रखिए, वर्ल्ड बैंक से सिर्फ इस साल एक ही लोन मिला था, वो था US$250 मिलियन का, डेवलपमेंट बैंक का, तो आप इस बात को दिमाग में ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काऊ सेंचुरी जो बनाई गई है, इकलौती एक सेंचुरी जो हिंदुस्तान में होगी, और वो होगी राजस्थान में। इसके साथ एक नंदीशाला बनाई गई है बैलों के लिए, वो है बीकानेर में, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअली ये जो काऊ सेंचुरी वो भी बीकानेर में, तो दोनों बात ध्यान रखें, नंदीशाला और काऊ सेंचुरी दोनों बीकानेर में, और दोनों ही राजस्थान के अंदर आती है, ठीक है चलिए आगे। एम्प्लॉयज प्रणाम एक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस स्टेट, द एक्ट विल डिडक्ट 10% ऑफ एम्प्लॉय। देखिए इसमें क्या है प्रणाम एक्ट में, कि जो बच्चे अपने माँ बाप या जो गार्डियंस उन पे डिपेंडेंट हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे, तो उनकी सैलरी से 10% काट दिया जाएगा, वो है असम गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है। अब देखिए ये दो इंपॉर्टेंट बात हैं, ये बिजनेस जीके में बहुत आ जाती हैं, कि व्हाट्सएप का इन्वेंशन किसने किया था, वो थे ब्रायन एक्टन एंड जेनकॉम, और टेलीग्राम के जो फाउंडर थे वो थे केविन सिंड्रोम एंड माइक क्रेगर। ये दोनों ही अब फेसबुक के अंदर आते हैं, मतलब टेलीग्राम और व्हाट्सएप। अलमेटी डैम या तुंगभद्रा डैम और कृष्णा सागर डैम, ये सब कर्नाटका के अंदर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, ये तीन आपको पता होने चाहिए। इसके बाद टूर दी फ्रांस, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही टूर द फ्रांस एक बहुत बड़ा साइकिलिंग कॉम्पिटिशन है, और ये कराया क्रिस फोमो ने, जीता है, सॉरी सॉरी गलत बोल गया, गेरियन थॉमस ने जीता है, गलत बोल गया, गेरियन थॉमस याद कर लीजिए। ये हो चुका है। इसके बाद देखते हैं कि जो CRIF सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंदर आती है, वो अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगी। देखिए इंडियन नेवी की तीन इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, इसका नाम है वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, जिसे विजैक भी कहा जाता है। इंडियन जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनको तो ये बात पता ही होनी चाहिए। साउथर्न नेवल कमांड का नाम है कोची। विच फेमस बंगाली राइटर पास अवे रिसेंटली, हिंदी फिल्म एक डॉक्टर की मौत जो कि अभिमन्यु किताब के ऊपर लिखी गई थी, उनका नाम है राम प्रसाद चौधरी। हु विल बी ऑनर्ड विद द राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड फॉर दिस ईयर, ये हैं गोपाल कृष्ण गांधी, ठीक है इनके मामले में अभी हमने बात भी की थी, गोपाल कृष्ण गांधी कमेटी भी थी, ठीक है अब आगे चलते हैं। ये जो राजीव गांधी अवार्ड होता है ये मिलता है नेशनल हारमोनी डे के नाम पर, और 31 अक्टूबर को होता है नेशनल यूनिटी डे जो कि वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होता है, और 19 नवंबर को होता है नेशनल इंटीग्रेशन डे जो कि इंदिरा गांधी को है, ठीक है तो अगस्त सितंबर सितंबर को छोड़ दें तो तीनों ही नेशनल इंपॉर्टेंट डे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आईटी मिनिस्ट्री ने एक स्कैन डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है ई अक्षरांड, इसे याद कर लीजिए, ये जैसे आप कैम स्कैनर यूज करते हैं वैसे ये एक ऐप है। प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद ने लॉन्च किए संचार क्रांति योजना, इन विच मोबाइल तिहार करके जो लड़कियों को स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो वो किसके अंदर है, वो है अटल नगर, सॉरी सॉरी गलत भूल गया, ये दो नॉलेज एक साथ मैंने मिक्स कर दी, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट में प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद ने मोबाइल तिहार के ना स्कीम के अंदर लड़कियों को स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए। अच्छा एक बात और, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, पर उसका नया नाम कर दिया है अटल नगर, ये आपको पता होना चाहिए। अटल जी के नाम पे बहुत चीजें नहीं हुई हैं, पर
अभी अटल नगर एक नाम है रायपुर का, वो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू शेप फ्रॉम ह्यूमन सेल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? इसका नाम है स्कूटॉइड। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा विल बिल्ड अ रिवराइन पोर्ट इन केंद्रा पारा डिस्ट्रिक्ट, ऑन विच रिवर इट विल बिल्ड? ये है महानंदी। हमने इस रिवराइन पोर्ट के बारे में बात की थी हमारे पिछले वाले वीडियो में। अब आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पता लग गया, केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट, और किस नदी के ऊपर है वो है महानंदी। अभी उड़ीसा में एक ब्रिज बना था गुरुप्रिया। गुरुप्रिया ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बिहाइंड इट कि वो ट्राइबल एरिया ऑफ उड़ीसा को मेन लैंड उड़ीसा से वो कनेक्ट करता है। यूएन ई गवर्नमेंट इंडेक्स में, मतलब यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 96। देखिए इंडिया की रैंक किसी भी चीज़ में टॉप 10 में नहीं है और एकदम लास्ट में नहीं है, वो हमेशा मिडिल में है, 96, 98, 100, ठीक है? तो अगर आपको किसी की रैंक ना पता हो ना इंडिया की, तो आप मिड में मार्क करें, ना कि सबसे आगे ना ही सबसे पीछे, मिड में। तो ज़्यादा से चांसेस होंगे आपके ठीक होंगे, पर मैं कहूँगा याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद ही होगी। सबसे पहले रैंक पे थे यूएन गवर्नमेंट ई इंडेक्स में डेनमार्क, दूसरे नंबर पे थे ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद यूनिसेफ के जो हेड हैं उनका नाम है हेनरी टाटा फोरे, और यूनेस्को के हैं ऑद्रे ओजले, और यूएन के हैं एंटोनियो गुतरस, और डब्ल्यूएचओ के हैं टेड्रो एधेनॉम। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के लिए, वो हैं सैयद अकबरुद्दीन, और इंडिया के परमानेंट डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के लिए, उनका नाम है तन्मय लाल। देखिए ये कुछ टेनिस प्लेयर हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है, फर्स्ट है मनिका बत्रा, इनकी फोटो आपके सामने है। दूसरे हैं मम्मुआ दास, ये आपके सामने। तीसरी हैं सुतीर्था मुखर्जी। सुतीर्था मुखर्जी यहाँ पर ये हैं, और यहाँ पर मधुरिका पटकर, ये आपके सामने। फिर पूजा पूजा है यहाँ पर, एंड शरद अचंता। शरद अचंता हो गई आपके, हाँ शरद अचंता, शरद कमल अचंता इनका पूरा नाम ये है, और जी सातियान ये आपके सामने होंगे। देखिए ये नाम आपको पता क्यों होने चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा टेनिस प्लेयर नहीं है, या इनमें से कौन सा टेनिस प्लेयर है, सीडीएस एग्जाम है, और ये परमानेंट नेम है जो आपके पूरे साल रहते ही रहते हैं, तो इनका नाम आप याद रखें। विच नेशन हैज बिकम फर्स्ट नेशन टू प्ले 1000 टेस्ट मैचेस? वो है इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने ही वही देश था जिसने पहली बार टेस्ट मैच खेला था, और वो खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वनडे मैच भी फर्स्ट टाइम उन्होंने जो खेला था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था। चलिए आगे चलते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड विच क्लब एज फर्स्ट सर्टिफाइड कार्बन न्यूट्रल फुटबॉल क्लब? उसका नाम है फॉरेस्ट ग्रीन रोवर। एक स्टेट है जिसने अभी प्रोसेस में है आई हब बनाने के लिए, इंटेलिजेंट हब बनाने के लिए, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर ग्लोबल रिसर्च फॉर साइंटिफिक लर्निंग, वो बनाया तमिल सॉरी आंध्र प्रदेश ने। उसी के साथ उन्होंने गेमिंग यूनिवर्सिटी बनाई है यूनेस्को की मदद से आंध्र प्रदेश में, ठीक है? चलिए कुछ अब वाटर स्कीम है जिसमें वाटर की सैनिटेशन और सफाई और उनके लिए एक बेहतर वाटर अवेलेबल होने के लिए कुछ चीज़ें बनाई है, जिसका नाम है मिशन भागीरथ, मिशन काकतीय तेलंगाना में, सुलभ जल स्कीम बिहार में, जल स्वावलंबन स्कीम राजस्थान में, नल जल स्कीम मध्य प्रदेश में, और अटल भूजल योजना बाकी सभी स्टेट्स में है। इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, आपने याद रखे। 115 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बनाया है सुजल स्कीम के अंदर। इसके बाद जो बनाए गए हैं ये बनाए गए मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा, जिसकी मिनिस्टर है उमा भारती। उमा भारती के उन्होंने एक चीज़ बनाई है गोबर धन योजना, जो कि करनाल में उन्होंने लॉन्च की थी, और करनाल कल्पना चावला के नाम से जाना जाता है। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज क्लियर द परचेज ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ कंट्रोलिंग स्टेट इन आईडीआईबी बैंक बाय स्टेट रन इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC, वो है 51। आगे चलते हैं। देखिए ये कुछ F1 ड्राइवर हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, ये न्यूज़ में बने रहते हैं, और इन्होंने कौन सी टीम से खेलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो लुइस हैमिल्टन ये आपके सामने, मर्सिडीज यूनाइटेड किंगडम के लिए, सेबेस्टियन वेटल फरारी जर्मनी, किमी रायकोनन फरारी फिनलैंड, डेनियल रिकार्डियो रेडबुल ऑस्ट्रेलिया, वेल्टरी बोटस मर्सिडीज फिनलैंड। ये आपको नाम याद होने चाहिए, इनकी टीम इनकी कंट्री। पूछा जा सकता है अगेन, जैसे मैंने आपको स्क्वैश और टेनिस प्लेयर की बात की, इसी में भी पूछ सकता है इनमें से कौन खिलाड़ी नहीं है
आईफोन ड्राइविंग का और कौन है, चलिए आगे चलते हैं। स्क्वॉश की बात करते हैं, ये प्रोमिनेंट नेम है, दीपिका पालिकल, कार्तिक, सौरभ घोषाल, जोशना सिनेपा, हरिंदर पाल, संधू, महेश मंगोनकर और अमित टंडन। इसके बाद बायोफ्यूल पॉलिसी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसे किसने इम्प्लीमेंट किया है स्टेट में, वो है राजस्थान। तो राजस्थान के द्वारा इस बार कई चीज़ें हुई, इसमें काओ सेंचुरी भी बनी है ना, और इसके अंदर ये बायोफ्यूल पॉलिसी भी है। तो इन चीज़ों को आप याद रखें और आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आखिर में फिर ये कहूँगा, जान लगा दो, ये अपने सपनों को जाने दो। मैं विश्वास करता हूँ आप अपने सपनों में जान लगा दोगे और उन्हें ऐसा नहीं होने दोगे कि वो सपने टूट जाएं। आप यूनिफॉर्म डिजर्व करते हैं, आपका सपना है कंट्री को सर्व करना, तो वो आप सपने को पूरे करो और अपनी यूनिफॉर्म को पा के दम लो, छोड़ो मत अपने सपनों को। मैं आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद। मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम एंड इस प्लेलिस्ट, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट का लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाएं और इसको उनको लाइक करें, प्लस इस वीडियो को शेयर करें, एंड अगर शेयर नहीं करना चाहते तो अपने दोस्तों को पढ़ाएं, जिससे 10,000 ऑफिसर की कमी हमारे देश में पूरी हो सके। मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।